हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के आठवें दिन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वे सदन के भीतर सच बोलते हैं, लेकिन भाजपा विधायकों में सच सुनने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए विपक्ष सदन से बाहर चला गया। वहीं किन्नौर में सड़क हादसे में चार लोगों की मृत्यु पर जगत सिंह नेगी ने दुख प्रकट किया। अगर वो मेरे से रूठ के चले गए फिर दोबारा वापस आ सकते थे, बाहर गए प्रेस में मेरे खिलाफ जो बोलना बोल के फिर आने को रोका कोई, क्यों नहीं आए? आप समर्थन करना चाहते तो प्रस्ताव तो पास बाद में हुआ ना, एक घंटे के बाद अंदर, उसके बाद हमारे माननीय सदस्यों ने बोला, मुख्यमंत्री ने बोला, उस बीच में क्यों नहीं आए? आपकी मंशा ही पहले शुरू से ये थी कि आप साथ में, आप मोदी जी के खिलाफ प्रस्ताव कैसे पास करोगे, कैसे मदद मांगोगे? आप मोदी जी के सामने तो हिम्मत ही नहीं करते। आप चाटुकारिता में इतने लिप्त हैं कि हिमाचल का जो एक आपका जो हिमाचल का जो हिमाचल की जो मदद करनी चाहिए, हिमाचल के जो हित में आप बोलने के लिए हिम्मत नहीं करते। जयराम जी, आपकी हिम्मत है क्या मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए, उनके खिलाफ कुछ मांगने की हिम्मत करते हैं जयराम जी? वो तो चाटुकारिता में मस्त हैं, वो तो मस्त हैं क्या कहते हैं उनको जो खुश करने के लिए। आज एक दुखद घटना मेरे जिला किन्नौर में हुई है। सुबह कोई 9 बजे के आसपास मनरेगा वर्कर्स एक गाड़ी में जा रहे थे, तो वो गाड़ी की जो है अचानक एक्सीडेंट होने से वहां पर 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई और बाकी जो 3 सीरियस थे उनको जो है आर्मी और हमारे एम्बुलेंस में उनको जिला का जो मुख्यालय है जो हमारा रीजनल हॉस्पिटल रेकॉन्ड जो है वहां उनको शिफ्ट किया गया और उनको वहां पर जो है ब्लड भरे जो भी वहां व्यवस्था थी उपचार किया गया, परंतु ये जो पेशेंट है इनको शिमला रेफर किया गया था। आजकल किन्नौर के रास्ते जो है बरसात के कारण और 2-3 जगह पे स्लाइड्स के कारण भी बीच बीच में बंद होता रहता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत हमने जो है हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स का रिक्वेस्ट किया, हेलीकॉप्टर पहुंचकर जो है उनको यहाँ पर शिमला लाया गया और आईजीएमसी में उनका उपचार हो रहा। मैं जो है खासकर माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है जिसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, सब ने तुरंत जो है फैसला करके इन लोगों को यहाँ पहुंचाने में जो एक बिना समय गवाए काम किया उसका सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिन परिवारों को ये जो दुखद घटना के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी जो है इस दुख से उबरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।